देखिए मैं अपने आप जो कर रहा हूँ, देखिए ये तो इतना बड़ा समंदर में एक लोटा पानी वाला काम है, और ये मेरा फर्ज भी है, दायित्व तो भी बनता है कि जनता ने मुझे सांसद के रूप में चुना है, तो उनके जो सपने हैं, उनको जो समस्याएं हैं, उनकी जो स्थिति है, उसको मैं समझूं, उसमें मैं अपना योगदान दूं। और मैं हमेशा से, बचपन से ही मुझे सेवा के काम में, दूर दराज जंगलों में, नदी में, पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। और एक हिसाब से मैं मतलब इतनी जगह जा रहा हूँ, मुझे खुद को भी जो है मतलब अच्छा लग रहा है, और साथ में इतनी दूर दराज जा करके वो अस्पताल की स्थिति देख रहा हूँ, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, नर्स से बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मी से मिल रहा हूँ, कुछ युवा पीढ़ी से मिल रहा हूँ, कुछ कुछ जनताओं से मिल रहा हूँ। तो मुझे, मेरा खुद का ऐसा अनुभव है कि देखिए खास करके पश्चिम बंगाल में मतलब चिकित्सा को लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सबको स्वीकार नहीं होगी। यूँ तो देखिए आज़ादी के बाद जिस तरह का चिकित्सा में, हेल्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में उसकी कमी है एज़ कम्पेयर टू दुनिया के बहुत विकसित या विकासशील देश की बात करेंगे तो उसके मुकाबले हिंदुस्तान पीछे है। और जब से मोदी जी की सरकार आई, इस दिशा में काम कर रही है, अस्पतालों के अंदर में सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, सारे डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जगह जगह जो है एम्स खोले जा रहे हैं। सो ये कोविड के पहले का मतलब मैं बता रहा हूँ, और कोविड के बाद तो मतलब सब सरकारों की आंखें खुली है और उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये सब चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के ब्लॉक अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, मैं जब पश्चिम बंगाल में भ्रमण करता हूँ, देखता हूँ, तो वास्तव में मैं ये कह सकता हूँ, देखिए आज हमारी जनता अस्पताल भरोसे नहीं है, वो भगवान भरोसे है। अगर वो ठीक हो जाता है तो उसमें अस्पताल का जो है मतलब इन्वॉल्वमेंट कम है, वो भगवान की कृपा से ज़्यादा ठीक होता है। हाँ, कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ अच्छी चिकित्सा हो रही है, लेकिन देखिए आम आदमी वो प्राइवेट अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का बिल जनरेट होते हैं, वो कोई एफर्ट नहीं कर सकता। ये देख कर के बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं जगह जगह जा इसलिए रहा हूँ कि वहाँ की अच्छे से पोल खोल हो, प्रशासन तक, सरकार तक ये बात पहुँची, CMOs को भी ये बात पहुँची, उनको पता है। लेकिन समस्या क्या है, हिंदुस्तान में सब कुछ पता होते हुए भी ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग, ये कई साल से चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। तो मुझे लगता है ये गलत है। अगर हम चेष्टा करें, परिवर्तन के लिए सोचें, चेष्टा करें, प्रयास करें, तो देखिए परिवर्तन होगा। ये नहीं होगा कि आज का कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बदल सकती है। लेकिन ऐसा लगता है प्रशासन और सरकार उम्मीद हार करके बैठे, ये एक सिस्टम है, एक ढर्रा है, इसी ढर्रे से चलेगा, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो जा रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने इससे ये भी देखा कि जब नेता लोग जो है, अधिकारी लोग अगर दूर दराज गाँव में जाते हैं, बॉर्डर एरिया तक जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो क्या होता है कि जनता के मन में भी एक मनोबल बढ़ता है, वो आए थे, पूछताछ हुई होगी, हमारे लिए कुछ बेहतर सुविधा की बात की होगी, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा रहेगा। और साथ ही मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्षेत्र में करीब जो है 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बांटूंगा, करीब 50 मैं शायद बांट चुका, अभी और स्टॉक आ रहा है अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर में, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, अपने पूरे क्षेत्र में। तो और उसके साथ कुछ PPE किट, मास्क और कुछ सैनिटाइजर, कुछ मशीनें, मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं जो कर सकता हूँ वो मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। ठीक है, आज सरकारें भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी कर रहे हैं, बहुत सारे युवा पीढ़ी NGO कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल से जुड़े हुए लोग, NGO से जुड़े हुए लोग, सोशल वर्कर लोग, सब लोग कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं जो कर रहा हूँ वो एक लोटा पानी मात्र है, बाकी बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है इस समय की ज़रूरत भी यही है, और लोग आगे आएँ, दूसरे के लिए काम करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। अब सिचुएशन जैसा भी हो, मैं जनता से ये अपील करता हूँ, देखिए कोविड से बचा जा सकता है, लेकिन आपको स्वयं को बचना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कोई सांसद, विधायक आएगा, सरकार आएगी, आपको बचाएगी, तो आप गलतफहमी में, आपको खुद को ही
इससे बचना होगा। आप घर पे रहिए, बाहर ना निकले, ज़रूरत हो 2 मास्क पहन के निकले और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, और बीमारी को जो है बाहर से घर लेकर के ना जाए, क्योंकि घर में आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आपके बच्चियाँ हैं, आपके परिवार है, सो उनकी भी सुरक्षा आपको देखनी है। सो जनता से मैं यही अपील करूँगा और इस तरह के काम मैं आगे भी करता रहूँगा, और मैं चाहूँगा जल्द से जल्द ये कोविड की समस्या देश से हटे, पश्चिम बंगाल से हटे, और जिस तरह से आम जीवन चल रहा था उसी तरह से चीज़ें जो है पटरी में उतरे। कि मैं आपको एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र में जो वादे थे उसको हम पूरा करेंगे। देखिए, सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, वास्तविकता भी अगर आप देखें तो 3 करोड़ 2.5 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन नॉर्थ बंगाल में रहती है, यहाँ पे एक भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है, ये वास्तविकता है। और जो है इसके कारण इस क्षेत्र में एम्स की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। एक एम्स अप्रूव हुआ था लेकिन TMC सरकार अल्टीमेटली उसको भी कलकत्ता के पास ले गई। सो नॉर्थ बंगाल को हमेशा से डिप्राइव किया है, हमारी चेष्टा रहेगी जैसे पार्लियामेंट शुरू होगा हम जो है प्रधानमंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री सबसे मिलेंगे, पार्लियामेंट में विषय रखेंगे और हम प्रयास करके जल्द से जल्द इसको चालू करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, लेकिन एक मेरा मैं विशेष करके ये विशेष हट के एक विषय रख रहा हूँ, खास करके आप सिलीगुड़ी टाइम्स से हैं और सिलीगुड़ी का विषय है। मुझे ऐसा पता चला पिछले 2-3 दिन पहले, ये एक बड़ी डरावनी सी स्थिति है सिलीगुड़ी के लिए, और आप भी इसको और डिटेल में जा कर के इसकी छानबीन करना चाहिए मीडिया को भी। देखिए, पूरे नॉर्थ बंगाल में जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िलों का जो बायो वेस्ट है, जो अस्पताल से, लैब से, नर्सिंग होम से, अलग अलग जगह से जो गंदगी है, जो PPE किट है कोविड के समय, मास है, उसके अंदर में खून के सैंपल लिए जाते हैं, इतने सारे किट यूज़ हो रहे हैं, इतना कचरा कूड़ा निकल रहा है अस्पतालों से, और बेड में बिछाने की चीज़ें हो गई, सैनिटाइज़र की इतनी मशीनें ख़राब हो रही हैं, वो सारा सारा जो ये बायो वेस्ट निकल रहा है उसको जो है सरकार के मतलब SOP के मुताबिक 48 घंटे के अंदर अंदर उसको रिसाइकल करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि उसकी यहाँ पे मतलब बहुत उस कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। एक बायोवेस्ट प्लांट लगा हुआ है सिलीगुड़ी डाबग्राम में कहीं और DPS के पास में, और वो पिछले 2 साल से बंद है, और जितने भी कूड़ा कचरा पूरे नॉर्थ बंगाल का, मैं सिर्फ सिलीगुड़ी का नहीं बोल रहा हूँ, पूरा नॉर्थ बंगाल का कूड़ा कचरा ला करके सिलीगुड़ी में जो है यहाँ पे पहाड़ जैसा वो स्थिति हो गई है। 2 साल से मशीनें काम नहीं कर रही है और नर्सिंग होम अस्पतालों से पैसे वसूले जाते हैं लेकिन वो बायो वेस्ट प्लांट जो है चालू नहीं है। आज यहाँ की सरकार और जिनके पास टेंडर के थ्रू वो काम मिला हुआ है, ये सब मिल करके सिलीगुड़ी की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पूरे नॉर्थ बंगाल को डस्टबिन बनाने का काम जो है आज यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन और वहाँ से जुड़े हुए लोग ये कर रहे हैं। ये मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये स्थिति जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सिलीगुड़ी इतना सुंदर शहर है, हम इसको डस्टबिन नहीं बनने दे सकते। और आप खुद सोचिए, इतना वेस्ट जो निकल रहा है आज के समय में अस्पतालों से, और जो मुझे आंकड़े पता चले करीब 1300 क्लाइंट है, 1300 जगह से, लोकेशन से इतना कूड़ा ट्रक भर भर के आ रहा है और सारा जो है सिलीगुड़ी में डंप हो रहा है, उसका कोई जो है रिसाइकल नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा खतरा है सिलीगुड़ी के लिए। मैं चाहूँगा प्रशासन, सरकार और जो पोल्यूशन बोर्ड, एकदम निकम्मी है मतलब पश्चिम बंगाल की पोल्यूशन बोर्ड जो है आँख बंद करके जो है बैठी हुई है, मैं चाहूँगा इमीडिएटली इसके ऊपर में काम हो। और मैं भी ये जो है केंद्र की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB से लेकर के जो है बाकी सब संस्थानों में भी मैं पत्राचार करूंगा और तुरंत मैं जल्द से जल्द इसकी ऑडिट कराऊंगा और ये चीज़ें जल्दी परिवर्तन हो उसके लिए मैं काम करूंगा।